प्रदेश में आचार संहिता लगते ही हमीरपुर पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने जंगलों में छापा मारकर काफी समय से चल रही अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस को अवैध असलाह फैक्ट्री से 10 अवैध असलाह और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस ने मौके से अवैध असलाह बना रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। असलाह फैक्ट्री का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। जिले के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के तरैया गांव के जंगलों में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असलाह बनाने की फैक्ट्री की सूचना पर छापा मारकर भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण, अधबने असलाह और कारतूस बरामद किए हैं। अभियुक्त जो है जगवान यादव इसका नाम है और पूर्व में भी इसकी आपराधिक इतिहास रहा है। ये हत्या का भी अभियुक्त रहा है और प्लस इसके साथ जिसने जो है अवैध शस्त्र के साथ ही पकड़ा गया था। सूचना मिल रही थी कि ये सुमेरपुर से लेकर के और जो हमारा सिसोलर मार्ग गया है उसके उसी रास्ते से एक अथरैया गांव की तरफ रास्ता गया है, वहां पर अवैध रूप से ये शस्त्र फैक्ट्री चला रहा था। सूचना पर जो है इसको सुमेरपुर पुलिस ने दबिश देकर के इसको गिरफ्तार किया है। इससे 5 जो है तमंचा 315 बोर के, 4 तमंचे जो है 12 बोर के और 1 तमंचा जो है 32 बोर का बरामद किया गया है। साथ ही अधबने बहुत सारे तमंचे और उपकरण जो है बरामद किए गए हैं। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है।